पहले तो भाई आपका हाथ जोड़कर बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। आपने यार 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दिए भाई, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है ना, क्या बताऊँ, सच में खुशी हो रही है। मतलब यार यकीन नहीं हो रहा, आपने इतना सपोर्ट किया है। साला सपने में नहीं सोचा था 1 मिलियन, तो मतलब अलग ही चीज़ है यार, 1 लाख भी नहीं सोचा था। तो 1 मिलियन पे क्या हालत है मेरी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई। बहुत सपोर्ट किया आप जो लाइक्स करते हो। मैं एक चीज़ बताऊँ, जो आप कमेंट करते हो ना, वीडियो अच्छी थी खराब थी, भैया उससे बहुत मदद मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप जो कमेंट करते हो, लाइक्स करते हो, वीडियोस को शेयर भी बहुत ज्यादा लोग करते हैं यार, और कुछ लोग तो इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं क्या बताऊं। तो चलो हौले से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आज का अपना टॉपिक है कि क्या आप चाहते हो कि लड़की आपको जल्दी जल्दी मैसेजेस करे, लंबे लंबे मैसेजेस करे, लेकिन करती नहीं है। करती क्या है, हुम कर देती है, ओके करती है, ओह आह, कई बार वो भी नहीं करती, सीन करके ही छोड़ देती, पता ही नहीं लगता कुछ। तो यहाँ पर क्या करें कि लड़की लंबे लंबे मैसेजेस करे, जल्दी जल्दी मैसेजेस करे। देखो पहले तो तुम यहाँ पर ये समझो कि लड़की लेट रिप्लाई करती क्यों है, ये छोटे छोटे मैसेजेस करती क्यों है। ऐसा करने पे ना उनको मजा आता है। मजा कौन सा वाला, मजा ऐसा कि भैया यहाँ पर उनको ये दिखाना होता है कि मेरे पास ना लड़कों की कमी नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी मेरे पीछे। लड़कियों को चाहिए भाव, लड़कियों को चाहिए इंपॉर्टेंस, लड़कियों को चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना है, पहला काम है कि स्मूथ डिबेट करो, छोटी मोटी जो नोक झोंक होती है ना वो कर लो, जो दोस्ती यारी में होती है, जंग नहीं लड़नी और ना कोई लड़ाई करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको उसको पटाना है। यहाँ पर पता है क्या होता है, जब तुम लड़की से आर्ग्यूमेंट करते हो, डिबेट करते हो, थोड़ी बड़ी नोक झोंक करते हो, तो लड़की की प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाती है। लड़की की जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि उसको डिबेट जीतनी है, ये नहीं होती कि मुझे छोटे रिप्लाई करनी है, अपने इंपॉर्टेंस बढ़ानी है ना, ये तो छोटी मोटी चीज होगी भाई, इज्जत जरूरी है ना भाई। तो लड़की को चाहिए ये कि मैं डिबेट जीत जाऊं, लड़कियां आर्ग्यूमेंट्स हार ही नहीं सकती, अपन को क्या दिक्कत है, अपन को तो रिप्लाई चाहिए, हार रही हो जीत रही हो उससे अपन को क्या। तो यहां पर तुम्हें लड़की से नोक झोंक करनी है। लड़की जैसे कहती है कि यार मम्मी भी ना भाई का ही साइड लेती है, मेरी तो कभी सुनती ही नहीं, लड़कों के नाम पे ना उसी की साइड लेती है, मेरी तो सुनती ही नहीं है। बस बस तुम्हारा काम हो गया। तुम बोले ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लड़कियों की ज्यादा वैल्यू होती है, लड़कियों को ना ससुराल जाना होता है तो घर वाले लड़कियों को ज्यादा इज्जत देते हैं। अब भाई लड़की को आग लग जाएगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कहने की। लड़की का पारा हाई, रिप्लाई फास्ट और लंबे। लड़की बोलेगी अच्छा ऐसी बात है, तो एक बात बता, लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है, उनको पैदा नहीं होने दिया जाता, ये वो फेमिनिज्म, पता नहीं कहां कहां की बातें चली जाएंगी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं भाई। अपन को मिल रहे फास्ट रिप्लाई, अपन को मिल रहे कि लड़की खुल रही है, लड़की अपन से कंफर्टेबल हो रही है, लड़कियां सबको इग्नोर कर रही है, और यही तो चाहिए। तुम्हें बस आदत डलवानी है, लड़की का जो कंफर्ट जोन है ना उसको उसके कंफर्ट जोन से निकाल के अपने पे लेके आना है। लड़की का जो स्टेट ऑफ माइंड है ना कि मुझे इसको रिप्लाई नहीं करना, छोटे करने, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, उसको तोड़ना है। एक दो बार लड़की ने ऐसे मैसेजेस कर दिए ना, उसके बाद तो दबा के ही करेगी भाई। तो जैसा मैंने कहा था कि अपन को लड़ाई झगड़ा तो करना नहीं है, अपन को डिबेट तो जीतनी नहीं है, अपन को पटानी है बंदी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डिबेट हार जाएंगे। अब जो ईगो वाले हो ना, थोड़ा ईगो ना नीचे कर लेना भाई, क्योंकि बंदी पटानी है। तो आपको क्या करना है कि हार जाना है, लड़की से कहना है यार हाँ यार तुम सही कह रही हो, यार सही कहा तुमने, पर 2-4 मिनट तक चलते रहने देना, जब तुम्हें लगे ना कि लड़की भाई आउट ऑफ कंट्रोल ही जा रही है तो कह दो कि यार सही कह रही हो तुम। स्माइली मत मारना, सरकैजा मत मारना, सच में ऐसा दिखाना कि हाँ तुम सही कह रही हो, लड़की को खुशी भी हो जाएगी, लड़की ने फास्ट रिप्लाई भी कर दी, तुम्हारा काम उसका काम सबका हो गया। सेकंड यहाँ पर पॉइंट है कि स्टोरी सुनो। लड़कियां पकड़ पकड़ कितना करती हैं वो तो तुम्हें पता ही होगा, पक पक करने पे आ गई तो 2-4 घंटे तो यूं ही ले लो, पता है ये हुआ फिर ना वो हुआ फिर ना ऐसा हुआ फिर ना वैसा हुआ फिर ये फिर वो, अरे चलता ही रहेगा भाई। तो आपको स्टोरीज ही तो सुननी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि लड़की का ध्यान इस चीज पे नहीं जाएगा कि वो छोटी रिप्लाई करेगी, लंबे रिप्लाई करेगी, जल्दी करेगी, लेट करेगी, लड़की का ध्यान जाएगा स्टोरी सुनाने पे, आई मीन पक पक करने पे। तो लड़की यूं तो पक पक करेगी नहीं कि तुमने बोल दिया उसने सुनानी स्टार्ट कर दी, तुम्हें धीरे धीरे हौले हौले ना उस स्टेट पे लेकर जाना होगा। जैसे कि तुम बोल सकते हो कि आज पता है हमारे पड़ोस में ना एक बंदा है, उसने बंदी को प्रपोज किया, हाय यार क्या बताऊं, लड़की ने जो इज्जत ली है ना उसकी क्या बताऊं यार, इतनी खरी खोटी सुनाई ना यार, मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे दुख हो रहा था यार। लड़की बोलेगी हे क्या हुआ ऐसा, तो तुम बता दो थोड़ा यार, पता है ये हुआ, पता है वो हुआ, लड़की ने ये कहा, लड़के ने वो कहा, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आ गया और रेंडमली प्रपोज करने। अब ऑब्वियस ही चीज है वो है लड़की, उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी होगी, कोई आ गया वो चौड़ में। तो अब लड़की बताएगी हाँ मेरे साथ ना एक बार हुआ था, एक ना लड़का आया कहता कि मैं ना तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा,
दूंगा, जान दे दूंगा। मैं तो अंदर ही अंदर हंस रही थी। मैंने बोला चल तू सुना ले। कहता मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। कहता ना कि मैं ना तुम्हें अपने महल की राजगद्दी पे बिठाना चाहता हूँ। मैंने कहा पागल, तुझ जैसे तो मैं कितने देखती हूँ, चल हट। लड़की को अपनी सुनाने दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में कहते रहो अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, ओह माय गॉड, अरे सच्ची क्या, अरे यार क्या बताऊं, अरे सच में ऐसा हुआ। स्माइली मारते रहो, हा हा ही ही करते रहो, लड़की को ये दिखाओ कि आपको मजे आ रहे हैं। लड़की से कितनी बातें निकलवानी है ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। तो उसकी बातों में इंटरेस्ट लो और सच में इंटरेस्ट लो, कोई यहाँ पर बकचोदी नहीं। आपको यहाँ पर उसको ऐसे ही धीरे धीरे समझना होगा, उसकी बातें सुननी होंगी, उसको जानना होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको जानोगे तभी प्यार मोहब्बत उमड़ेगा। नहीं तो भाई पुच्ची पुच्ची तो तुम्हें लेनी ही है, तब मैं क्या बताऊं। अब यहाँ पर ना कुछ लड़कियां जल्दी स्टोरी सुनाने लग जाती हैं, जल्दी कंफर्टेबल हो जाती हैं, खुल जाती हैं, कुछ बहुत देर में खुलती हैं, बहुत देर में स्टोरी सुनाती हैं, बहुत देर में ओपन होती हैं। अब ये डिपेंड करता है उस बंदी पे। यहाँ पर आपको थोड़ा तो कंफर्ट करना होगा, उससे बातचीत करनी होगी, इतना तो करना होगा कि उसको ना आप पे ट्रस्ट हो। व्हाट्सएप और रियल लाइफ को लिंक करना सीखो। व्हाट्सएप पे रियल लाइफ की बात करो, रियल लाइफ में व्हाट्सएप की, तो यहाँ पर लड़की क्लोज है, जरूर आएगी। चैट में तुम्हारी बात हो रही है ठीक। लास्ट में तुम्हें कहना है कि यार कल ना मैं तुझे कॉलेज या स्कूल ऑफिस जो भी है वहाँ पर एक चीज बताऊंगा, यार किसी को मत बताइयो। लड़की बोलेगी हाँ अभी बता दे। तुम बोले नहीं यार ऐसे थोड़ी बता पाऊंगा, कल आराम से बैठ के बताऊंगा ना। तो यहाँ पर तुमने व्हाट्सएप से लिंक किया रियल लाइफ को। रियल लाइफ में आपको क्या करना है कि जब बातें हो रही हो, लास्ट में जब छुट्टी होने वाली है जो भी है, तो तुम्हें कहना है कि मैं तुझे एक पिक दिखाऊंगा, आज व्हाट्सएप पे आ जाइयो इतने बजे ऑनलाइन, तुझे एक चीज दिखाऊंगा, तू हंस हंस के पागल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आप दो जगह से घेरोगे, पटना उसका बहुत आसान हो जाएगा, भाई जाएगी कहां। बाकी तुम कहां निकल रहे हो, नीचे लाइक कर दो। इधर उधर कहां देख रहे हो, नीचे, वो नीचे भैया। और लाइक कर ही रहे हो तो उसके बगल में 2-4 किलोमीटर की दूरी पे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा देना, और लगे हाथ उसके बगल में घंटा है उसको दबा लेना। इससे क्या होगा कि जो आपको नोटिफिकेशन है ना वो मिलती रहेंगी। बाकी अगर आपकी श्रद्धा हो तो भैया वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी दोबारा आपका हाथ जोड़कर बहुत धन्यवाद यार, कभी नहीं सोचा था 1 मिलियन, मतलब क्या पता, मुझे अभी तक यकीन भी तो नहीं हो रहा। वीडियो खोल खोल के मैं ये देख रहा हूँ ये एम आ कहाँ से गया। तो भाई आपका बहुत धन्यवाद यार, बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने।